गुड मॉर्निंग। तो फिर से एक नई सुबह थी और यहाँ पे हम लोग सो के उठ गए थे और सुबह सुबह चाय का आनंद ले रहे थे। और फिर इसके बाद मम्मी और मैं फिर से निकल पड़े थे 80 घाट पर बोट राइडिंग के लिए, क्योंकि मेरे को बोट राइडिंग से वहाँ पे एक लगाव सा हो गया था। और हमने मतलब तीनों टाइम की, मतलब एक शाम की, सुबह की, और अब हम जाके दोपहर की बोट राइडिंग करेंगे। तो मेरा बड़ा मन था कि एक बार फिर से मैं बोट राइडिंग पे जाऊं। तो मम्मी और मैं, हम दोनों ही आए थे क्योंकि पापा को कुछ काम था, किसी से मिलना था, तो वो वहाँ चले गए थे। तो मम्मी और मैं दोनों यहाँ पे बोट राइडिंग के लिए निकले। और यहाँ पे मम्मी ने लिया था ये दिया, जो कि हम यहाँ गंगा जी में प्रवाह करेंगे। तो यहाँ पे मैंने भी ये जो दिया था वो प्रवाह किया। और फिर उसके बाद यहाँ देखे ये बर्ड्स, फिर से यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और जिस बोट पे हम इस बार जा रहे थे वो बोट बहुत ही बड़ी थी और इसमें अराउंड 200 लोग होंगे मेरे को लगता है। तो बस इससे हमने बोट राइडिंग फिर से स्टार्ट करी और कुछ वीडियोज़ में अपनी लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अकेले लेना पड़ रहा था, कोई था नहीं साथ में जो वीडियोज़ ले पाए। और यहाँ आप देख सकते हो जो सामने जो डेज़र्ट दिख रहा है, ये एक मिनी आइलैंड जैसा है यहाँ पर, तो ये बीच टाइप का है। तो लोग वहाँ पे बहुत जा रहे थे फ़ोटोज़ के लिए, मगर मैं नहीं गया क्योंकि वो दूर से देखने में लग रहा था, बहुत साफ़ नहीं दिख रहा था, मगर फिर भी लोग वहाँ जाके कैमल राइड, हॉर्स राइड कर रहे थे। तो बस इसके बाद फिर से हम लोग थोड़े आगे की तरफ गए और इस बार हम लोग यहाँ कॉरिडोर पे उतरे नहीं, हम लोग गए पहले और वहाँ से वापस आ गए। और मैं ये कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी बनाता हूँ अपने, जो मेरा एक और पेज है, तो मैंने उस प्रोडक्ट्स को अपने साथ ही ले गया था, फिर मैंने वहाँ पर शूट किया। और फिर ये देखिए, ये बनारस के जो पुरानी धरोहर है उनको देख के मतलब लगता है कि बनारस कितने सदियों पुराना हो सकता है। और बस हमको आज अयोध्या के लिए निकलना था, तो बस उसी की तैयारी हमने की। और रास्ते में ये गरम गरम समोसे छन रहे थे, तो हमने यहाँ से समोसे कुछ पैक करवा लिए और ये गरम गरम चाय, तो मतलब इसका कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हो। बस उसके बाद हम पहुँच चुके थे वाराणसी स्टेशन। इसके बाद हमें यहाँ से ट्रेन लेके अयोध्या जाना था। तो बस कल हम यहाँ से, शायद 3 घंटे का रास्ता है, वो हम अयोध्या पहुँचेंगे। और वहाँ पे जाके भी हमें राम जन्मभूमि जाना था, तो उसका ब्लॉग भी आपके सामने आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ।